कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, घर को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, फल को बैठे थे तन में। राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। के बेड़ा काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी माने काहे को डरे। बलराम पधारे उस कथा में, बलराम को देख करके जितने बाल की है आरती, पापियों के पाप से पाप आरती, पापियों को पाप से पाप। तेरा हरे मंते मुक्ति पाते अंतर दे डाला, नद को जगाने वाला सच न्यूज जागो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं मटवा गांव, जहां एक मंदिर है। यहां पे हो रहा है श्रीमद भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ महात्मा जी है, आइए हम इनसे वार्ता करेंगे। बाबा, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम डॉक्टर बालेश्वर आचार्य है, मैं राजस्थान जयपुर कोटपुतली तहसील। बाबा, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कथा जो श्रीमद भागवत महापुराण कथा का जो आयोजन किया गया है, इसमें लोगों को क्या बताया जाता है, लोगों को क्या जागरूक किया जाता है, जरा इस चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं। भागवत की कथा, रामायण की कथा जीने की कला सिखाती है, भागवत की कथा मरने की कला सिखाती है। क्योंकि जितना जीना महत्व, उतना मरना महत्वपूर्ण है। जैसे लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, गाड़ी से कट के मर जाते हैं, इससे पाप योनि में जाते हैं। तो हर व्यक्ति को मरना निश्चित है, हर व्यक्ति जो भी जीव जन्म लेता है उसको मरना निश्चित है। तो जिस प्रकार से परीक्षित को मृत्यु निश्चित थी, भगवान सुखदेव ने उन्हें मरने की विधि सिखाया कि जो जीव है शरीर धारण किया, जैसे हम सब नया वस्त्र लेते हैं तो पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये जीव है, जब शरीर जर्जर हो जाती है, शरीर को छोड़ करके नई शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही भागवत की कथा है, इसी को भगवान सुखदेव ने बताया था। बाबा अभी आपने बताया श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में, मैं चाहूंगा कि इस मित्रता को सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्ण रूप से बताएं, लोग जाने मित्रता क्या होती है। मित्रता वो शब्द है जो एक समर्पण की भावना, जिससे आप मित्र हो गए उसके कभी सुख लेने की कामना नहीं करें, हमेशा जब उसके ऊपर आपत्ति और विपत्ति आए उस प्रकार से आप सहयोग करें। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। सुदामा इतने गरीब थे और भगवान जब बचपन में पढ़ने गए थे तो वही इन दोनों की मित्रता सुदामा की और भगवान कृष्ण की हुई है। लेकिन भगवान वो दिन आज भी याद रखे हैं। भगवान एक साधारण छात्र से और राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, परमात्मा हो गए, पर भी अपने मित्र को नहीं भूले, अपने मित्र से पुराना व्यवहार नहीं भूले। उतना स्नेह, उतना प्रेम, उतना आदर आज भी भगवान देते हैं। ये मित्र के लक्षण है। मित्र का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्षण है, मित्र का सर्वश्रेष्ठ जो व्यवहार है, वो भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ करके हम सब जीवों को दिखाया कि अपने मित्र से कैसा व्यवहार रखना चाहिए। और सुदामा ने भी भगवान से मित्रता की और इतनी गरीबी, इतनी दयनीय स्थिति है कि घर में भोजन नहीं मिलता, कई कई दिन तक व्रत करने पड़ते थे, पत्नी बेचारी भूखी रहती थी, पुत्र बेचारा भूखा रहता था, पर भी अपने मित्र के पास जा करके सुदामा ने कभी भी कुछ याचना नहीं किया। जब भी बने तो मित्र को कुछ देना चाहिए। उसी प्रकार से सुदामा जी भी तंदूर ले जाकर के अपने मित्र को दिया, लेकिन कुछ भी याचना उसके बदले में नहीं किया। ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसी प्रकार के हम सबको भी अपने मित्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब आपने एक बात कही कि संत को हमेशा एकांत में रहना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हमने 24 गुरु बनाया है। जब संत एकांत में होगा तभी भगवान का भजन, पूजन, चिंतन करेगा, अपने मन, वाणी, इंद्रियों को जीत सकेगा। और शहर बीच में रहेगा, लोगों के बीच रहेगा, हल्ला गुल्ला करेगा, तब जीत नहीं सकेगा। जब अपने इंद्रियों को जीत ले तो कहीं भी रहे, उसको कोई समस्या नहीं है। जब तक मन, वाणी, इंद्रियों को जीत नहीं लेता है, मन को अपने अनुकूल नहीं कर लेता है, मन को परमात्मा में नहीं लगा लेता है, तब तक किसी भी साधक को साधना काल में विघ्न बाधा न हो, इसलिए उसे एकांत में रहना। बाबा आपने एक बात कही, कमल और भौरे की एक कथा कही, बहुत हमें पसंद आई। क्या कथा को इस चैनल के माध्यम से बता सकते हैं? कथा आती है कि एक बार भौरा था, आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते हुए से सुंदर कमल का फूल मिला। कमल के पराग लेने के लिए भौरा उस कमल के पास गया और पराग का रस आनंद ले रहा था। उसी समय रात्रि हो गई। रात्रि हो गई, जब सूर्य अस्त हो गए तो कमल अपने आप बंद हो जाता है। सुबह होता है तो कमल खिल जाता है। तो जब कमल बंद हो गया तो भौरा भी सोचा कि चलो रात्रि हो गई तो रात्रि भर हम इस कमल के पराग का आनंद लेते रहे। उसके बाद जब सुबह होगा, सूर्य उदय होंगे, कमल खिलेगा, फिर हम बहुत सारे परागों का आनंद लेकर के इस संसार में विचरण करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि मैं इतना सुख प्राप्त किया हूँ। लेकिन उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। रात्रि में कमल के अंदर ही था और एक हाथियों का झुंड आया और उसे कुचल दिया और समाप्त हो गया। अगर वो चाहता तो कमल को भेदन करके बाहर निकल जाता, अपने जीवन की रक्षा कर सकता था, लेकिन विषय में आसक्त होने के कारण वो मारा गया। इसीलिए कहा गया, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वा दुहस्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यपि कोश गते दुरूथे हा हंत हंत नलिनी गज उज्झार। जो बड़े बड़े सूखे लकड़ियों को छेद सकता था भौरा, लेकिन कमल को नहीं छेद पाया, आसक्ति के कारण मारा गया। उसी प्रकार से संत महात्मा को किसी विषय में, कहीं किसी में आकृष्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, विषयों से दूर रहना चाहिए। बाबा अभी आपने बताया कि परमात्मा, चलिए दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। आपने बताया कि फिर एक आपकी एक और कथा याद आ गई। आपने कहा कि बीज का बहू नहीं फल भख है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। इसके बारे में हम चाहते हैं बाबा कि लोगों को कुछ बताएं, लोग जागरूक हो, लोग जाने। एक सर्व सिद्धांत है, सिद्धा निष्पन्नो अंतो निर्णाम ऐसा सिद्धांत है। उसमें है कि वृक्ष न कभू फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष तो होता है जो को परमार्थी है, चारों चीज परमार्थ के हैं। वृक्ष अपना फल सुंदर सुंदर आम का फल लगता, लेकिन कभी भी वृक्ष अपना फल नहीं ग्रहण करता। नदी के अंदर अथाह जल होता, लेकिन नदी अपने लिए जल का संचय नहीं करती है। वृक्ष सुंदर सुंदर फल लगते, लेकिन अपने लिए संचय नहीं करते। वृक्ष ने कबू फल बगैर नदी में संचय नहीं। उसी प्रकार से जो संत महात्मा है हमेशा दूसरे के परमार्थ के कहते हैं। जब तक राजा परीक्षित को अपने राज्य का अहंकार था, पैसा था, संपत्ति थी, तब तक कोई ऋषि महर्षि महात्मा उनके पास नहीं गया। जब वो सारा संसार के अपने आर्थिक रुपया पैसा सब कुछ छोड़ करके जब आ गए हैं भगवान की शरणागति में, गंगा के किनारे आ गए हैं, तब जा करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग आ करके उनके साथ रह करके भगवान की कथा के है, आत्म परमात्मा का चिंतन के। परीक्षित ने भगवान परीक्षित सुखदेव जी के द्वारा आत्मा को परमात्मा में विलीन किया। उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को मुक्त दिला करके अपने जंगल में चले गए परमात्मा चिंतन। ये संतों का लक्षण है। संत हमेशा परमार्थी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं सदा परमार्थ का उपदेश देते हैं, बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सदा सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। इसीलिए संत को परमार्थी कहा। बाबा ने बताया कि संत को परामर्थी कहा गया है। संत हमेशा एकांत में रहना चाहता है और बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो इस चैनल के माध्यम से आप देख। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें सब। इसी के साथ सच न्यूज जागो में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।